एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी इज विथ अस एंड यू हैव अ वेरी स्पेशल ऑडियंस ऑल्सो मैम. दीज आर आंगनवाड़ीज, दे आर यंग aspirational India on the left side, young students who are present here and various stakeholders. নমস্কাৰ শিক্ষাগুৰু সাৰ্বাধ্যসকল, অংগনবাড়ী কৰ্মী, সহায়িকা আৰু মেনি কৰ্মীসকলৰ বাবে অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। সাৰ্বাধ্যসকল, আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মাননীয় স্মৃতি ইৰাণী বাইদেউ, অৰ্থাৎ আমাৰ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰ আমাৰ স্মৃতি ইৰাণী বাইদেউ, আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে চিনি পায়। এই স্মৃতি ইৰাণী বাইদেৱে আমাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলক লৈ এটা বিশেষ প্ৰতিবেদন আছে আৰু এই প্ৰতিবেদনটো আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব আৰু আপোনালোকে যদি ইউটিউব চেনেলত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে বলক আমি প্ৰতিবেদনটো সকলোৱে চাই লওঁ। शीर्षक है अमृतकाल की आंगनवाड़ी। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, लेकिन वो विकसित भारत जिसके लिए हम संकल्पित है वो बना किसके लिए है? इनके लिए बना रहे हैं जो इस वक्त आपकी इस ऑडियंस में मौजूद हैं। और मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि आज जो आपने यहाँ पर बच्चों को आमंत्रित किया है उसमें लड़कियों की तादाद थोड़ी ज्यादा है, लड़के थोड़े कम है, लेकिन और भी खुशी तब होगी जब न्यूट्रिशन की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से, महिला सम्मान की दृष्टि से लड़की और लड़के की संख्या एक बराबर होगी। और सिर्फ हमने एस्पिरेशनल जिलों से शुरू की, अब आदिवासी अंचल में भी हमारा विशेष 2500 से ज्यादा आंगनबाड़ियों को विशेष सारे रूल्स रिलैक्स करके, क्योंकि आंगनबाड़ी बनता है तो उसके आसपास में आबादी कितनी है उसके हिसाब से आंगनबाड़ी चिन्हित होता है। आदिवासी अंचल में आबादी शायद उतनी ज्यादा ना हो, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, आंगनबाड़ी, स्कूल की, सड़क की जरूरत है, तो आप रूल्स रिलैक्स कीजिए, उनके लिए विशेष बनवाइए। साथ ही मुझे लगता है सक्षम आंगनवाड़ी की जो कल्पना है वो साधारण आंगनवाड़ी नहीं है। भारत नेट से जुड़ा हुआ वो आंगनवाड़ी का स्पेस है, ऑडियो विजुअल लर्निंग वहां पर डिवाइसेस या फिर एंगेजमेंट्स और प्रोटोकॉल्स उपलब्ध हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। और आज के दशक में अगर हम कहें कि आंगनवाड़ी को सिंपली एक छोटा सा कमरा है, वह आंगनवाड़ी दीदी है, वैसी कल्पना प्रधानमंत्री की नहीं थी। उन्होंने कहा हर आंगनवाड़ी बहन के पास एक स्मार्टफोन हो और स्मार्टफोन में एनालिटिक्स के साथ उनके पास एक ऐप हो, डिवाइस इनेबल्ड हो कि वो हर एक बेनिफिशियरी तक, लाभार्थी तक रिकॉर्ड सहित पहुंच सके। मैम कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं और ये इशू आपके दिल के बहुत करीब है इसलिए अहम होगा। इंडिया हैज नियरली 14 लाख आंगनवाड़ीज and over 9 crore beneficiaries of which 8 crore are children. 10 crore beneficiaries of which 7.5 crores of women are children under the age of 6. How have you reimagined Anganwadis? And my question is also, how was this institution, because this is an institution which your ministry has created, what was it before 2014 and what has changed after 2014? See, the idea of Anganwadi is something that germinated in our country in the 1970s, but it was in a very abysmal condition. One of the officers who's seated here today, under his leadership, along with our former, just retired, former additional secretary Aditi, for the first time there was a different budget head given for water. Can you imagine something that came into Indian politics and Indian bureaucracy in the 1970s, for the first time had a distinct budget line for water after Modi became Prime Minister. We wanted people to recognize that children have to be measured. आप बोलते हैं बच्चे को हेल्दी बनाना है, लेकिन मानक क्या है, बेंचमार्क क्या है, कैसे पता चलेगा? तो मंत्रालय हमारा और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों के बीच में समन्वय ही नहीं था मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कि किसके स्टैंडर्ड के आधार पर बच्चे के आप हेल्थ डिसाइड करेंगे। WHO के स्टैंडर्ड को लेकर हमने दोनों मंत्रालय के समन्वय से स्टैंडर्डाइज्ड एक प्रोसेस और प्रोसीजर आंगनवाड़ी की बहनों को, आशा वर्कर्स को दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि महिला की मृत्यु दर कम हो बच्चे का जन्म देते वक्त, तो महिला क्यों नहीं जाती है डॉक्टर के पास कि उस एक दिन में अगर उसको वैक्सीन लगाना है या डॉक्टर का चेकअप करना है, मजदूरी का पैसा कम पड़ जाता है। तो नरेंद्र भाई ने कहा ऐसा करते हैं कि ऐसी गर्भवती बहनों के लिए आप उनके बैंक में कैश ट्रांसफर करवाओ। तो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना शुरू हुई, 5000 रुपए सीधा बैंक के खाते में 2 किस्तों में जाता है।
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये पहले बच्चे के लिए जा रहा है, अगर दूसरी बेटी हो तो 6,000 रुपए दो, ताकि महिला अगर गर्भवती है तो वो जाए, वैक्सीनेशंस पाए, डॉक्टर का चेकअप पाए। और एक बार एक मेंटल फ्रेमवर्क हो जाता है कि इस अस्पताल में जा रहे हैं तो डॉक्टर्स और वहां पर जो मेडिकल पर्सनल फील्ड वर्कर्स हैं वो महिला को प्रोत्साहित करते हैं कि आप घर पे बच्चे को जन्म ना देना, अगर कुछ हो गया तो फिर कम से कम डॉक्टर की सुविधा आपको अस्पताल में मिलेगी। तो वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी आपकी बढ़ने लगी, महिला की मौत बच्चे को जन्म देते हुए ये परसेंटेज आपका घटने लगा। अब बच्चा अगर अस्पताल की परिधि में जन्म लेता है, बच्चे को जन्म के वक्त अगर कोई तकलीफ है तो आपके पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है उस बच्चे की देखभाल करने के लिए। व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर आज मुझे पता करना है किसी जिले में, किसी ब्लॉक में, किसी गांव में बच्चा बीमार है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? तो प्रधानमंत्री जी ने पोषण अभियान को एक नेशनल फ्लैगशिप स्कीम बनाया। हमारे देश के इतिहास में कभी भी, आप कह रही मेरे मंत्रालय का ये काम है, हम 18 मंत्रालयों का समन्वय करते हैं, 18 मिनिस्ट्रीज को लैबोरेट अंडर द पोषण अभियान, विच मीन्स 18 मिनिस्ट्रीज इंक्लूड्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब कोई सोचेगा कि आंगनवाड़ी में एग्रीकल्चर का क्या काम है, हमने पोषण वाटिका बनवाई, देश भर में 2,00,000 से ज्यादा पोषण वाटिका बनाई, जिसमें हमने कहा कृषि विज्ञान केंद्र कहीं चल रहा है उसके कृषि विशेषज्ञ को बुलाओ, वहां की जो टोपोग्राफी है उसके हिसाब से स्थानीय कौन सी वेजिटेबल्स उग सकती हैं जो आंगनवाड़ी की बहनें बच्चों को वहां खिला सकती हैं। तो देयर हैज बीन, कहते हैं ना, गॉड इज इन डिटेल्स एंड द प्राइम मिनिस्टर फाइंड्स गॉड इन दैट डिटेल ऑलमोस्ट इन एवरी प्रोजेक्ट दैट ही अंडरटेक्स। इट्स ऑल्सो अबाउट अर्ली लर्निंग सेंटर्स, पोषण भी, पढ़ाई भी। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरे पास शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी रही 14 में, जब प्रधानमंत्री जी को प्रधान सेवक बनने का मौका मिला था, और हमने 30 साल के अंतराल के बाद देश की नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट जो है वो हमने शुरू किया था। प्रधानमंत्री जी ने तब कहा कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि जो बच्चे के पहले 6 साल हैं उसको तवज्जो नहीं देते, स्कूल में आया बच्चा तब सब भाग रहे रेस में कि बच्चे को पढ़ाई कैसे करानी है, क्या हम लर्निंग थ्रू एक्टिविटी या फन ये बच्चे के जीवन का हिस्सा बना सकते हैं? अरे जी, अगर आप सेंसस का आंकड़ा देखें तो लगभग 11,30,00,000 बच्चों में से 8 करोड़ बच्चे आंगनवाड़ी की परिधि में बढ़कर फिर शैक्षिक संस्थान में जाते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग का जो एक्सपीरियंस है वो हम इन बच्चों को देते हैं, लेकिन ये नहीं कि किताबों का ढेर लगा देते हैं, खिलौनों के माध्यम से, ऑडियो विजुअल के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से इसको हम बढ़ावा देते हैं, और एक स्टेट्स के साथ कोलैबोरेट करके, ये नहीं कि भारत सरकार ने कह दिया तो आपको यही खिलौना लेना है, हमने हर राज्य से कहा कि आपकी एक सांस्कृतिक धरोहर है बच्चे के लालन पालन में, उसको आप हमारे साथ बांटिए। वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने देश भर में बांटी और हर राज्य अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए बच्चे को अब पोषण भी दे रहा है, पढ़ाई भी करा रहा है।